नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर ईशु गुप्ता। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी नोएडा में एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर के बारे में चर्चा करेंगे। फेफड़ों का कैंसर हमारे देश में बहुत ही कॉमन कैंसर है और इसका मेन कारण स्मोकिंग या धूम्रपान होता है। फेफड़ों के कैंसर में पिछले 10 सालों में काफ़ी नई डेवलपमेंट्स हुई है। काफ़ी रिसर्चों ने हमारी ट्रीटमेंट को बहुत अच्छा कर दिया है। अब इवन स्टेज 4 लंग कैंसर में भी पेशेंट्स बहुत अच्छा करते हैं। बिना कीमोथेरेपी के भी ट्रीटमेंट ऑप्शन संभव है। आज के दिन लंग कैंसर की ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के अंदर आती हैं। अगर आपको लंग कैंसर है तो हम इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी पे इस कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। लंग कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी में से आते हैं। इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सबसे अच्छा है वो हम आपको देख के, आपके ऊपर स्कैन्स करके और बायोप्सी के ऊपर कुछ स्पेशल टेस्ट करके जान सकते हैं। अगर हम बात करें कि फेफड़ों के कैंसर से कैसे बचा जा सकता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट का रहेगा धूम्रपान से दूर रहना। खुद भी धूम्रपान से दूर रहें और जो लोग धूम्रपान करते हैं उनसे भी हम दूर रहें। अगर हम करते हैं और धूम्रपान छोड़ते हैं आज, तो भी हम चाहेंगे कि आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको हम लो डोज सीटी स्कैन कहते हैं, वो कराएं, जो कि काफ़ी सेफ़ है और कैंसर को अर्ली स्टेज में पहचानने में हमारी मदद करता है। आइए हम सब साथ मिलकर कैंसर से मुक्ति पाएं।